दोस्तों आज जो कॉमिक से हम पढ़ेंगे उसका नाम है तकदीर का खेल। ये मनोज कॉमिक वालों की स्टोरी है, तो पढ़ते हैं इसको, देखते हैं कैसी है ये तकदीर का खेल। कंचन प्रदेश के राजा कंचन देव ने अपने पुत्र के नामकरण संस्कार के उपलक्ष्य में एक भव्य आयोजन किया, जिसमें आसपास के सभी राजा सम्मिलित हुए। इस समारोह में युवराज का नाम सुंदर देव रखा गया। राजा कंचन देव, पुत्र उत्पन्न होने की खुशी में हमारी बधाइयां स्वीकार कीजिए। तभी कपिल नगर के राजा कपिल वर्मन ने आगे बढ़कर युवराज सुंदर देव को राजा कंचन देव से ले लिया। भगवान करे युवराज हमेशा सुख वैभव में पले और दीर्घायु हो, कहकर उन्होंने उसे गाल पर प्यार भरा चुंबन अंकित कर दिया। कपिल वर्मन की इस हरकत पर आसपास मौजूद सभी राजा महाराजा खुसर खुसर करने लगे। निसंतान राजा कपिल वर्मन को राजा कंचन देव ने क्यों बुलाया? ऐसे मांगलिक समारोह में ऐसे राजा का क्या काम? कपिल वर्मन युवराज को इस प्रकार प्यार कर रहा जैसे इसने पहले भी कभी किसी बच्चे को गोद में खिलाया हो। कहीं युवराज सुंदर देव को नजर न लगा दे। ओह, ये लोग तो मुझे बहुत ही उपेक्षित नजरों से देख रहे हैं। क्या निसंतान होना सचमुच इतना बड़ा अपराध है? मुझे यहाँ से तुरंत चले जाना चाहिए, या मेरा बहुत अपमान हो चुका है। राजा कंचन देव, हमें पता नहीं था कि आपके यहाँ आकर हमें इतना अपमानित तो होना पड़ेगा। यदि मैं इतना यह मंगलकारी था तो मुझे निमंत्रण ही क्यों दिया गया? राजन, मुझे दुख है कि यहाँ उपस्थित राजाओं ने आपके बारे में उल्टी सीधी बातें की। मैं इन सब की ओर से आपसे क्षमा मांगता हूँ। राजा कंचन देव, इतने अपमान के बाद अब हमसे यहाँ एक क्षण भी नहीं रुका जाएगा। भगवान युवराज सुंदर देव को सदा सुखी रखे। इतना कहकर राजा कपिल वर्मन वहां से तेजी से बाहर निकल गए। राजा कपिल वर्मन के जाने के पश्चात वहां कुछ देर के लिए सन्नाटा सा छा गया। फिर आप सब लोगों को राजा कपिल वर्मन का इस तरह अपमान नहीं करना चाहिए था। आप सबकी तरह वे भी हमारे अतिथि थे। इधर जब राजा कपिल वर्मन अपना रथ दौड़ाते हुए कपिल नगर अपने महल में पहुंचे। महाराज, क्या बात है, आप कंचन प्रदेश से इतनी शीघ्र क्यों लौट आए? महारानी, हम इस समय बहुत परेशान है, कृपया करके करके हमें अकेला छोड़ दो, हमें कुछ देर आराम करना चाहते हैं। महारानी ने राजा कपिल वर्मन से कुछ नहीं कहा और चुपचाप कक्ष से बाहर चली गई। महारानी के जाने के बाद आज राजा कंचन देव के यहाँ उपस्थित राजाओं ने हमें यह एहसास करा दिया है कि हम निसंतान होने के कारण कितने अशुभ हैं। सब कुछ होते हुए भी हमारे पास कुछ नहीं है। अब तो लोगों के सामने हम तभी नजर उठा सकेंगे जब हमारे यहाँ संतान उत्पन्न हो, लेकिन क्या यह संभव हो सकता है? मुझे शीघ्र ही राज ज्योतिषी को बुलाकर इस बारे में सलाह करनी चाहिए। वो राजा कपिल वर्मन ने तुरंत ही राज ज्योतिषी भैरवानंद को बुलवा भेजा। राज ज्योतिषी भैरवानंद जी, आज अपनी ज्योतिष विद्या द्वारा ज्ञात करके बताइए कि हमारे भाग्य में संतान का सुख है या नहीं। जो आज्ञा महाराज। अपनी पत्रिका में राजा कपिल वर्मन की संतान रेखा देखने के बाद, महाराज क्षमा करें, आपके भाग्य में संतान का सुख नहीं है। ओह, राज ज्योतिषी की भविष्यवाणी सुनकर राजा कपिल वर्मन चिंता में डूब गए। यह फाड़ सुख व ऐश्वर्य मेरे किस काम का? मेरे बाद इस राज्य का कौन उत्तराधिकारी होगा? मेरे बाद तो मेरे वंश का पूर्णतः नाश हो जाएगा। और इस तरह राजा कपिल वर्मन अपने निज संतान होने के दुख में डूबे रहने लगे। राजकार्य देखने में भी उनकी रुचि कम हो गई। महारानी रत्नावली उनकी हालत देखकर अत्यंत दुखी थी। महाराज, आजकल आपको यह क्या हो गया? आपको जो भी दुख है मुझे बताइए, मैं आपकी दांगनी हूँ। आप अपना दुख मुझे नहीं बताएंगे तो किसे बताएंगे? महारानी, तुम्हें व्यर्थ शंका हो रही है, हमें कोई दुख नहीं है, हमें कुछ नहीं हुआ, हम पूर्णतः स्वस्थ है। तभी महाराज की जय हो, महामंत्री जी आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, उन्हें अंदर भेज दो। कुछ क्षण बाद महामंत्री विजयदेव उनके समक्ष उपस्थित थे। महाराज, आपको राज दरबार में आए हुए आज 5 दिन हो गए हैं। आपके बिना राज दरबार सुना सुना सा लगता है। समस्त दरबारियों ने अनुरोध किया कि आज आप दरबार में अवश्य पधारे। महामंत्री जी, आज हमारी तबीयत कुछ कुछ ठीक नहीं है, इसलिए हम आज भी राज दरबार में उपस्थित न हो पा सकेंगे। हमारी ओर से आज आप समस्त दरबारियों से क्षमा मांग ले। जैसी आपकी आज्ञा महाराज, कहकर महामंत्री विजय देव वहां से चले गए। उनके जाने के बाद, यह क्या महाराज, आपने अभी अभी तो मुझसे कहा था कि आप पूर्णतः स्वस्थ हैं, फिर आपने महामंत्री से झूठ क्यों बोला? महारानी, क्या तुम हमारी व्यथा नहीं जान सकती?
और हम तुम्हें समझा भी नहीं सकते। कहकर कपिल वर्मन व्यग्रता से उठकर कक्ष में टहलने लगे। कपिल वर्मन की यह हालत देखकर महारानी रत्नावली से राना गया। महाराज, आपने आज तक मुझसे कोई भी बात नहीं छिपाई है, फिर आज यह पर्दा क्यों? आपको हमारी कसम है महाराज, आपको जो भी दुख है हमें बताइए। और रत्नावली, तुमने हमें अपनी कसम देकर ठीक नहीं किया। जागराज ज्योतिषी भैरवानंद ने भविष्यवाणी की है कि हमारे यहाँ कभी संतान उत्पन्न नहीं होगी, जिसका मतलब है कि हमारे बाद हमारा कोई नाम लेवा वह वंश को चलाने वाला नहीं रहेगा। बस यही चिंता हमें खाई जा रही है। निसंतान होने की वजह से हमें राजा कंचन देव के यहाँ भी अपमान सहना पड़ा। महारानी, संतान न होने के कारण हमें हे दृष्टि से देखते हैं, वो तो महाराज के दुखी होने का कारण यह है। फिर महारानी रत्नावली कपिल वर्मन को सांत्वना देती हुई बोली, आप इतने निराश क्यों होते महाराज? ईश्वर हमारी अवश्य जरूर सुनेगा, वह हमें अवश्य संतान देगा। महारानी, तुम हमें तपते रेगिस्तान में पानी दिखा रही हो, झूठी तसली देकर हमें बहलाना व्यर्थ है। हम जानते कि अब हमारे यहाँ से कभी संतान नहीं होगी। तब कपिल वर्मन उदास सैया पर लेट गए और असमंजस में गिरी रत्नावली अपने कक्ष में लौट गई। मुझे इस संबंध में धर्मगुरु गोपालचार्य से विचार विमर्श करना चाहिए, वह मुझे जरूर कोई राह बताएंगे। यह निर्णय ले महारानी गोपालचार्य के पास जा पहुंची। आओ महारानी आओ, आज आपने कैसे कष्ट किया? गुरुजी, मैं बड़े धर्म संकट में हूँ। संतान न्याय होने के कारण महाराज निराश हो गए हैं और जीवन का मौत छोड़े बैठे हैं। आप ही बताइए, ऐसी अवस्था में मैं मुझे क्या करना चाहिए? महारानी की बात सुनकर धर्मगुरु सोच में डूब गए। लेकिन कुछ देर बाद, महारानी, संतान होना या न होना ईश्वर पर निर्भर है। फिर भी महाराज की अवस्था को देखते हुए मैं आपको एक सलाह देता हूँ। बताइए गुरुजी, जल्दी बताइए। तब धर्मगुरु गोपालाचार्य ने महारानी रत्नावली को एक योजना बताई। ठीक है गुरुजी, मैं ऐसा ही करूंगी, तो जाओ और कुछ दिन बाद महाराज को यह शुभ सूचना दो। धर्मगुरु को प्रणाम करके महारानी वहां से चली आई और कुछ दिन बाद महाराज उठिए, यह समय इस तरह गुमसुम पड़े रहने का नहीं है, उठिए और खुशियां मनाइए। क्या कह रही हो महारानी, किस बात की खुशियां मनाए हम? महाराज, बात यह ऐसी कि आप सुनेंगे तो खुशी से झूम उठेंगे। महारानी, क्यों पहले आप बुझा रही हो? जो कुछ कहना साफ साफ हो। महाराज, बात यह है कि आप शीघ्र ही पिता बनने वाले हैं। क्या सच? ओ महारानी, तुमने तो हमारी हमें सारी दुनिया की खुशियां एक आंख ही दे डाली। जिस चीज के लिए हम अब तक तरस रहे थे, वही चीज अब हमें मिलने वाली है। महारानी, यह समाचार सुनकर हम अत्यंत प्रसन्न हुए। आज तुम हमसे जो भी मांगोगी हम शहर से तुम्हें देंगे। एक बार फिर सोच लीजिए महाराज, मैं आपसे जो भी मांगूंगी आपको मेरी वह मांग पूरी करनी पड़ेगी। तुम्हें जो मांगना महारानी निसंकोच मांगो, हम तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। तो सुनिए महाराज, जब तक मेरे संतान उत्पन्न हो तब तक मैं एकांतवास में रहना चाहती हूँ। तुम्हारी एक ऐसी विचित्र इच्छा महारानी, यह मैं आपको नहीं बता सकूंगी। महाराज, मैंने आपको अपनी इच्छा बता दी है, अब आप यह आपके हाथ में है कि आप मेरी इच्छा पूरी करते हैं या नहीं। ऐसी बात नहीं महारानी, तुमने हमें जो खबर सुनाई है उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हम तुम्हारी इच्छा उसे पूरी करेंगे। तुम 9 माह के लिए गुंजन पर्वत पर बने गुंजन महल में रहने जा सकती हो। ओह महाराज, आप कितने अच्छे हैं, आपने मेरी इच्छा पूरी करके मुझे सब कुछ दे दिया, मैं आपकी आभारी हूँ। महारानी, तुम्हारी इच्छा हम अपने दिल पर पत्थर रखकर पूरी कर रहे हैं, हम ही जानते हैं कि यह बिछो हम किस प्रकार सहन करेंगे। महारानी राजा कपिल वर्मन के दिल की दशा को भली भांति समझ रही थी, अतः दिल कड़ा करके बोली, महाराज, मैं कल ही अपनी दासी सुरंगमा को साथ लेकर गुंजन महल में रहने के लिए चली जाऊंगी। ठीक, हम तुम्हें गुंजन महल पहुंचाने का प्रबंध करवा देंगे। उसी शाम को सारे कपिल नगर में महारानी के गर्भवती होने का समाचार विद्युत वेग से फैल गया। भगवान, तू बड़ा दयालु है, तूने हमारे महाराज की पुकार सुन ली। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि महारानी सारा प्रसव काल गुंजन महल के एकांत में क्यों गुजारना चाहती है। यह बात तो मुझे भी विचित्र सी लगती है। दूसरे दिन ही प्रातः महारानी रत्नावली अपनी दासी सुरंगमा के साथ पहाड़ी पर स्थित गुंजन महल में चली गई। महारानी जी, एक बात मेरी समझ में नहीं आई, आप गर्भवती होते ही इस एकांत महल में क्यों चली आई है?
सुरंगवा में ऐसे भाग्य काम मेरे कि किसी मेरी कोख से संतान उत्पन्न हो। ये आप क्या कह रही है महारानी जी? सुरंगवा आज मैं तुम्हें एक रहस्य की बात बता रही हूँ, तुम्हें वादा करना होगा कि उस रहस्य को अपने तक ही सीमित रखोगी। महारानी जी मैं देवी माँ की शपथ खाकर कहती हूँ कि आपका रहस्य अपने तक ही रखूंगी। तो सुनो, मैं गर्भवती नहीं हूँ और मेरे कोई संतान नहीं होने वाली है। क्या? हाँ सुरंगवा, मैंने यह सब नाटक महाराज को प्रसन्न रखने के लिए किया है। महारानी जी जब आप मुझे अपने रहस्य में शामिल कर ही रही हैं, तो कृपया कर अपनी सारी योजना मुझे स्पष्ट रूप से बताएं। सुरंगवा, मैं 9 माह तक इसी महल में रहूंगी। उधर कपिल नगर के लोग वह महाराज यही यही समझेंगे कि यहाँ गुंजन महल में धीरे धीरे मेरा गर्भ विकसित हो रहा है। ठीक 9 माह बाद तुम्हें कपिल नगर जाना, और उस समय राज्य में जिस स्त्री ने भी संतान को जन्म दिया हो, उस नवजात शिशु को हमारे पास लाना है। नवजात शिशु के हमारे पास आते ही हम घोषणा कर देंगे कि अम्मा बन गई है। इस प्रकार महाराज वह सब लोग यही समझेंगे कि संतान हमारे ही हुई है। ओ महारानी जी ने तो बड़ी खतरनाक योजना बनाई है। महारानी रत्नावली और सुरंगमा को गुंजन महल में रहते रहते धीरे धीरे समय बीता गया, और ठीक 9 माह बाद सुरंगमा तुम कपिल नगर जाओ, और जिस बच्चे ने भी आप आज जन्म लिया हो, उसे लेकर हमारे पास आओ। ध्यान रहे, यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। जो आ गया महारानी जी। महारानी की आज्ञा पाकर सुरंगमा कपिल नगर की ओर चल दी। रास्ते में, अरे लता, बंदरिया प्रसव पीड़ा से तड़प रही है। सचमुच ही कुछ क्षण बाद बंदरिया ने एक बच्चे को जन्म दिया। मुझे किसी प्रकार बंदरिया के इस बच्चे को हासिल करना चाहिए। जिस किसी भी स्त्री का नवजात शिशु मैं महारानी के लिए लाऊंगी, उसके स्थान पर यह बंदरी का बच्चा रख दूंगी। सुरंगमा जैसे बंदरिया की ओर बढ़ी, खो खो ओ कहिए मुझे काटने खाई। सुरंगमा ने पास पड़ा एक बड़ा सा पत्थर उठाया और बंदरिया की ओर फेंका। की की बंदरिया तड़पती हुई बेहोश हो गई। तब सुरंगमा ने बंदरिया के नवजात शिशु को उठाया और कपिल नगर की दाई के पास पहुंची। कृष्णा दाई, क्या तुम बता सकती हो राज्य में आज किस स्त्री को प्रसव होने वाला है? वहां क्यों नहीं, राजोत्सी भैरवानंद की पत्नी कल्याणी को आज प्रसव होने वाला है, मैं उसी के यहाँ जा रही हूँ। कृष्णा दाई, कल्याणी के जो भी संतान उत्पन्न होगी, वह हर हालत में मुझे चाहिए। उसकी संतान के स्थान पर तुम यह बंदरिया का बच्चा रख देना। मैं तुम्हें इस कार्य के लिए मुंह मांगा धन दूंगी। ठीक है, तुम्हें नवजात शिशु मिलेगा। परसों के पश्चात जब कल्याणी की को होश आएगा, तो मैं उसे कह दूंगी कि उसके कोख से बंदर के बच्चे ने जन्म लिया है। तब सुरंगमा ने स्वर्ण मुद्राओं की थैली कृष्णा को दी। सुरंगमा को अपने साथ लेकर कृष्णा दाई ज्योतिषी भैरवानंद के घर पहुंची। उस समय कल्याणी सैया पर लेटी हुई प्रसव पीड़ा से करा रही थी। कल्याणी बहन, क्या राज ज्योतिषी घर पर नहीं है? वे तो 2 दिन से राज्य से बाहर गए हैं। तब तो कार्य आसानी से पूरा हो जाएगा। नियत समय पर कल्याणी ने पुत्र को जन्म दिया। कृष्णा दाई ने नवजात शिशु के स्थान पर बंदर के बच्चे को लिटा दिया और शिशु को लेकर सुरंगमा के पास पहुंची। लो सुरंगमा, इसे लेकर यहाँ से शीघ्रता से चली जाओ, कल्याणी को जल्दी होश आने वाला है। याद रहे कृष्णा दाई, यह बात कान किसी को मालूम न हो। सुरंगमा ने कृष्णा को स्वर्ण मुद्राओं की एक थैली दी और शिशु को आंचल में छिपाकर वहां से चली आई और नवजात शिशु को लेकर गुंजन महल में महारानी रत्नावली के पास पहुंची। लीजिए महारानी जी, मैं नवजात शिशु को ले आई हूँ। सुरंगमा, यह तो बताओ कि यह किसका शिशु है, इसकी माँ कौन है? तब सुरंगमा ने महारानी को सारी बात बता दी। सुरंगमा, अब तुम सिगरीराज महल में महाराज कपिल वर्मन के पास जाओ और उन्हें यह सूचना दो कि महारानी रत्नावली एक पुत्र की माँ बन गई है। जो आ गया महारानी जी। सुरंगमा राजा कपिल वर्मन के पास जा पहुंची। महाराज की जय हो, महारानी ने पुत्र को जन्म दिया है। ओ सुरंगमा, क्या तुम सच कह रही हो? हाँ महाराज, महारानी ने आपको सिगरी कुंजन महल में बुलाया है, हम अभी वहां पहुंचते हैं। फिर कपिल वर्मन ने सुरंगमा को उपहार स्वरूप ढेर सारा इनाम दिया। फिर कपिल वर्मन तुरंत रथ में बैठकर गुंजन महल में महारानी रत्नावली के पास जा पहुंचे। महारानी, हमारे पुत्र को जरा दिखाओ तो सही, देखें किस पर गया है। अवश्य महाराज। महारानी रत्नावली ने अपने बराबर में लेटे नवजात शिशु को उठाकर
कपिल वर्मन की गोद में दे दिया। अरे यह तो बिल्कुल हमारे ऊपर गया है, बेटा अभी तो आपका आप ही का है। पुत्र को पाकर कपिल वर्मन बहुत प्रसन्न थे। हे भगवान, महाराज को प्रसन्न देकर मुझे आज कितनी शांति मिली है यह मैं ही जानती हूं। बस यही प्रार्थना की महाराज सदैव इसी प्रकार प्रसन्न रहे। इधर जब राजज्योतिषी भैरवानंद की पत्नी कल्याणी को उसाया, कृष्णाताई मेरी संतान कहाँ है और यह बंदर का बच्चा यहाँ क्यों लेटा हुआ है? कल्याणी, से बंदर के बच्चे ने तुम्हारी कोख से जन्म लिया है। क्या क्या ऐसा भी हो सकता है? हतप्रभ सी कल्याणी फूट फूट कर रो पड़ी। रो मत कल्याणी, तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा था, अब रोने से क्या फायदा? कृष्णाताई ये मेरे कौन से जन्मों के पापों का फल है जो मेरी कोख से बंदर के बच्चे ने जन्म लिया? उधर राजा कपिल वर्मन महारानी एवं पुत्र के साथ रथ में बैठकर कपिल नगर लौट आए। महल में आकर उन्होंने महामंत्री को बुलाया और उन्हें आदेश दिया, महामंत्री जी पूरे राज्य को दुल्हन की तरह सजाया जाए और खूब खुशियां मनाई जाए। नन्हे युवराज के जन्म की खुशी में गरीबों को भोजन व वस्त्र इत्यादि बांटे जाए, यह हमारा आदेश है। जो आज्ञा महाराज। तुरंत ही आदेश का पालन हुआ। भगवान करे युवराज की लंबी उम्र हो। नामकरण संस्कार के दिन राजमहल में एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया गया और राजकीय पंडित ने नन्हे युवराज का नाम रखा। महाराज, युवराज का नाम कौशल वर्मन रखा जाए तो उत्तम रहेगा। ठीक है, हम युवराज का नाम कौशल वर्मन ही रखेंगे। युवराज का नामकरण हो जाने के बाद सहसा कपिल वर्मन को राजज्योतिषी भैरवानंद का ध्यान आया। भैरवानंद ने भविष्यवाणी की थी कि हमारे यहाँ संतान नहीं हो सकती। युवराज ने जन्म लेकर उनकी भविष्यवाणी को झूठा साबित कर दिया। इसका मतलब है उनकी ज्योतिष विद्या झूठी है। मैं तुरंत ही भैरवानंद को बुलाकर इस बारे में पूछताछ करनी चाहिए। राजा कपिल वर्मन ने तुरंत एक सेवक को बुलाकर आज्ञा दी, राजज्योतिषी भैरवानंद के घर अभी जाओ और उनसे कहो कि महाराज ने उन्हें इसी समय बुलाया है। जो आगे महाराज। इधर कई दिन तक कपिल नगर राज्य से बाहर रहने के पश्चात राजज्योतिषी भैरवानंद अपने घर वापस लौट आए। क्या बात है, घर में इस समय सन्नाटा सा क्यों छाया हुआ है? कल्याणी कहाँ गई? जैसे भैरवानंद ने कल्याणी के कमरे में प्रवेश किया, अरे कल्याणी, इस तरह बाल बिखेर कर सुनने में क्या देख रही है? इसने ये अपनी कैसी दशा कर रखी है और यह बंदर का बच्चा इसके पास क्यों पड़ा है? भैरवानंद ने कल्याणी से पूछा, कल्याणी क्या बात है, तुम ऐसे क्यों बैठी हुई हो? स्वामी देखो हमारे साथ क्या अनहोनी हुई है, एक बंदर के बच्चे ने मेरी कोख से जन्म दिया है। यह सुनकर भैरवानंद हक्का बक्का रह गया। कैसा भी हो सकता है, मानव की कोख से बंदर का बच्चा जन्म ले? ऐसा तो न कभी देखा और न सुना। यही वह समय था जब कपिल वर्मन के सेवक ने वहां प्रवेश किया। भैरवानंद जी, आपको महाराज ने इसी समय राजमहल में बुलवाया है, तुम चलो, हम अभी राजमहल पहुंचते हैं। कुछ समय बाद भैरवानंद भी कपिल वर्मन के समक्ष था। भैरवानंद, याद है तुमने हमसे क्या कहा था कि हम कभी भी पिता नहीं बन सकते? हाँ महाराज, मुझे अच्छी तरह याद है। तब ध्यान से हमारी बात सुनो, महारानी रत्नावली को पुत्र उत्पन्न हुआ है और तुम्हारी भविष्यवाणी झूठी साबित हो चुकी है। क्या यह संभव है महाराज? मेरी ज्योतिष विद्या कदापि झूठी नहीं हो सकती, यह सच है भैरवानंद। और अब यह भी साबित हो चुका कि हमने जो राजज्योतिषी का पद तुम्हें सौंपा था, तुम उसके लिए सर्वथा योग्य हो। अतः हम आज से तुम्हें इस पद से हटाते हैं और तुम्हें आज्ञा देते हैं कि 24 घंटे के अंदर अंदर हमारा राज्य छोड़ दो और कभी इधर लौट कर न आना। लेकिन महाराज, हम कुछ सुनना नहीं चाहते, अब तुम जा सकते हो। अतः भैरवानंद मुंह लटकाकर कक्ष से बाहर निकल गया और फिर कल्याणी को साथ लेकर राज्य छोड़कर चल पड़ा। मुझे लगा यह बंदर का बच्चा हमारे लिए शुभ है, इसके पैदा होते ही हम पर यह विपत्ति टूट पड़ी है। ऐसा न कहो कल्याणी, अभी यह हमारा बच्चा है, अच्छा या बुरा जैसे भी है, अभी यह हमारा है। फिर जैसे उनका रथ उस पेड़ के पास पहुंचा जिस पेड़ के नीचे से सुरंग मां ने बंदर का बच्चा उठाया था, अरे यह बंदरिया कहां से आ गई? और देखते देखते बंदरिया कल्याणी की गोद से अपना बच्चा छीनकर पुनः पेड़ पर चढ़ गई और फिर पेड़ों पर छलांग लगाती हुई उनकी नजरों से ओझल हो गई। हाय मेरा बच्चा, कल्याणी चुप हो जाओ, शायद नीति को यही मंजूर था। कल्याणी को चुप कराकर भैरवानंद ने रथ आगे बढ़ाया।
अभी वे कुछ ही दूर चले थे कि जंगली डाकुओं ने उनके रथ को चारों ओर से घेर लिया। तेरे पास जो भी माल है निकाल दे, वरना हम तुम दोनों को मौत के घाट उतार देंगे। भाई मैं विपत्ति का मारा हूं, मुझे छोड़ दो। डाकुओं ने उसकी एक न सुनी और भैरवानंद और कल्याणी को रथ से उतार दिया। फिर उनके रथ को आकर वहां से चल दिए। हे भगवान, यह क्या हुआ? मैं कहां जाऊं, क्या करूं? जब रथ उनकी आंखों से ओझल हुआ तो उसने कल्याणी का हाथ पकड़ा और वहां से चल दिया। चलते चलते भैरवानंद जीत नगर अज्जा पहुंचा। रात हो गई, इस समय रुकने के लिए कहां से स्थान ढूंढू? लगता आज की रात हमें सड़क सड़क पर ही बितानी पड़ेगी। भैरवानंद नंद के पास जो धन माल था उसे डाकू लूट चुके थे, अतः वह किसी सराय में नहीं रुक सकता था। किस्मत में ऐसा दिन भी देखना लिखा होगा, यह तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। कैसी विडंबना है कि दूसरों को भविष्य बताने वाला खुद अपना भविष्य नहीं जान पाया। तभी दो चोर भागते हुए वहां से गुजरे। पहरेदार उनका पीछा कर रहे थे। रामू, पहरेदार हमारा पीछा कर रहे हैं, अतः हम उनसे बच नहीं पाएंगे। अतः क्यों न हम अपनी पोटलियां हम इस आदमी के पास फेंक कर यहाँ से भाग जाए। तुम ठीक कह रहे हो श्यामू, पोटली उठाकर अब भागा नहीं जा रहा है। अगर हम पकड़े गए तो राजा हमें जीवित नहीं छोड़ेगा, अतः माल को यहीं पर छोड़ दो। यह सोचकर उन्होंने पोटलिया भैरवानंद के पास पटकी और वहां से भाग निकले। अरे भाइयों, अपनी पोटलिया तो लेते जाओ, इन्हें यहाँ छोड़कर क्यों भाग रहे हो? भैरवानंद अपनी पोटलिया अभी पोटलियों को देख ही रहा था कि वहां दो पहरेदार आ पहुंचे। ये क्या, तूने यहाँ से दो चोरों को भागते देखा है? हाँ, अभी अभी दो आदमी भागते हुए उधर गए हैं। तभी एक पहरेदार की नजर उन दोनों पोटलियों पर पड़ी जिन्हें चोर वहां छोड़ गए थे। अरे चोरी के माल की गठरिया तो यहाँ पड़ी हुई है, इसका मतलब है कि ये दोनों भी चोरों के साथी है। नहीं, हम चोरों के साथी नहीं है, हम चोर नहीं है। भैरवानंद पहरेदारों के आगे रोया गिड़गिड़ाया, पर उन्होंने भैरवानंद और कल्याणी को जबरदस्ती वहां से उठाया और पोटलियां उठाकर वहां से चल दिए। कारागार में रहकर जब चक्की पीसोगे तो चोरी करनी भूल जाओगे पैरे। वारी कुदरत, आज तूने हमें चोर भी बना दिया। अगले दिन राजा जीत सिंह के दरबार में भैरवानंद व कल्याणी को पेश किया गया। तुम दोनों के पास से चोरी का माल बरामद हुआ है, इसलिए तुम दोनों अपराधी हो, अतः हम तुम दोनों को आजीवन कारावास का दंड देते हैं। लगता दुखों के कारण कल्याणी पागल हो गई है। राजा की आज्ञा अनुसार भैरवानंद और कल्याणी को तुरंत कारागार में डाल दिया गया। कल्याणी, तुम ठीक तो हो ना? धीरे धीरे इस घटना को पूरे 20 वर्ष बीत गए। भैरवानंद और कल्याणी बूढ़े हुए थे एक दिन। अरे भैरवानंद तो मर्द पड़ा है। मैं महाराज जीत सिंह को इसके मरने की सूचना देनी चाहिए। पहरेदारों ने राजा को भैरवानंद के मरने की सूचना दी। राजा की आज्ञा से भैरवानंद का अंतिम संस्कार कर दिया गया। अब पागल कल्याणी अकेली रह गई थी। उधर कपिल नगर के राजा कपिल वर्मन भी बूढ़े हो चुके थे। महारानी रत्नावली, अब हम बूढ़े हो गए हैं, राज कार्य का भार अब हमसे संभाला नहीं जाता है, क्यों न हम युवराज कौशल वर्मन को राजकाज सौंप दे? आपका विचार उत्तम है महाराज, आज नहीं तो कल युवराज को कपिल नगर का राजकाज संभालना ही है। महारानी रत्नावली ने राजा कपिल वर्मन से युवराज कौशल वर्मन को राजा बनाने की बात कह तो दी, पर तुरंत ही सोच में पड़ गई। महाराज कपिल वर्मन कौशल वर्मन को राजकाज सौंपना चाहते हैं, मुझे तुरंत इस विषय में धर्मगुरु गोपालाचार्य से विचार विमर्श करना चाहिए। यह सोचकर महारानी तुरंत उठी और धर्मगुरु गोपालाचार्य से मिलने चल दी। देव योग से राजा कपिल वर्मन के मन में भी यही विचार उठा। धर्मगुरु गोपालाचार्य का अनुभवी व्यक्ति है, युवराज के राज्याभिषेक के संबंध में मुझे चलकर उनसे विचार विमर्श करना चाहिए, वे इस बारे में उचित सलाह देंगे। ऐसा सोचकर कपिल वर्मन भी धर्मगुरु गोपालाचार्य से मिलने चल दिए। जब वे धर्मगुरु गोपालाचार्य के कक्ष के बाहर पहुंचे, अरे यहाँ तो महारानी रत्नावली पहले से ही उपस्थित है, यह धर्मगुरु के पास क्यों आई है? मुझे छिपकर धर्मगुरु और महारानी का वार्तालाप सुनना चाहिए। अतः कपिल वर्मन द्वार पर ही रुक गए और वहीं से अंदर का वार्तालाप सुनने लगे। धर्मगुरु, आज से 20 वर्ष पहले मैं आपसे एक सलाह लेने आई थी, आज मैं फिर आपसे एक और सलाह लेने आई हूँ। कहो महारानी, तुम्हारी क्या समस्या है?
धर्मगुरु मैं बड़े धर्म संकट में फंस गई हूँ। महाराज युवराज कौशल वर्मन का राज्याभिषेक करना चाहते हैं, अब आप ही बताइए मैं क्या करूं, क्या यह उचित होगा? महाराज ऐसा सोच रहे हैं तो इसमें अनहोनी क्या है महारानी, यह तो होना ही चाहिए। लेकिन धर्मगुरु मैं यह सोचकर घबरा उठती हूँ, क्या ज्योतिषी भैरवानंद के पुत्र को कपिल नगर के राज सिंहासन पर बैठाना उचित होगा? कुछ भी हो, कौशल वर्मन रहेगा तो भैरवानंद का और कल्याणी का पुत्र ही। महारानी तुम्हारा यह सोचना सर्वथा गलत है। बेशक कौशल वर्मन को कल्याणी ने जन्म दिया था, पर अब उस पर तुम्हारा और महाराज का अधिकार है, इसलिए कौशल वर्मन को राज्याभिषेक सौंपने में तुम्हें वे महाराज को कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। बाहर खड़े राजा कपिल वर्मन अंदर के वार्तालाप को सुनकर हक्के बक्के रह गए। इसका मतलब है कि भैरवानंद की भविष्यवाणी सच्ची थी। ओह, यह मैंने क्या सुन लिया, कौशल वर्मन मेरा पुत्र नहीं है। वो अज्ञातवश मैंने निर्दोष भैरवानंद को कितना बड़ा दंड दिया, उसे लज्जित करके अपने अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। यह सोचकर कपिल वर्मन का सिर चकराने लगा। फिर किसी तरह उन्होंने अपने ऊपर काबू किया और वहां से चल पड़े। लेकिन कुछ ही कदम चलने पर, वो मुझे चला क्यों नहीं जा रहा, ऐसा लगता है जैसे सारी पृथ्वी घूम रही हो, और वे संभल न सके और चकराकर गिर पड़े। तभी वहां से दो दासियां गुजरी। अरे यह तो महाराज है, इन्हें यह क्या हो गया है? दासियों की आवाज सुनकर महारानी और धर्मगुरु गोपालाचार्य बाहर आए। महाराज यहाँ और इस अवस्था में? महाराज, धर्मगुरु ने आगे बढ़कर कपिल वर्मन की नब्ज देखी। हाय यह क्या हुआ, वो यह तो अनर्थ हो गया, महाराज स्वर्ग सिधार गए। महारानी विलाप करते हुए राजा के शव पर गिर पड़ी। राजा कपिल वर्मन की अकस्मात मृत्यु का समाचार सुनकर सारा नगर स्तब्ध रह गया। इसी को तो अनहोनी कहते हैं मेरे भाई। महाराज तो बिल्कुल ठीक ठाक थे, फिर अचानक ही कि यह क्या हुआ? माँ यह क्या हो गया, पिताजी महाराज में छोड़कर क्यों चले गए? बेटा हिम्मत से काम लो। पूर्ण राज के सम्मान के साथ राजा का अंतिम संस्कार किया गया। युवराज कौशल वर्मन ने कपिल वर्मन की चिता को अग्नि दी। राजा कपिल वर्मन अमर रहे। राजा कपिल वर्मन की जय। जब राजा कपिल वर्मन के सारे संस्कार समाप्त हो गए, बेटा कौशल जल्दी तुम्हारा राज्याभिषेक समारोह होने वाला है, उससे पहले तुम्हें वैष्णव नदी में अपने स्वर्गीय पिता के नाम से पिंड दान करने जाना है। जो आज्ञा माँ। एक बात ध्यान रखना बेटा, जब तुम वैष्णव नदी में पिंड दान करोगे तो नदी में से दो हाथ पिंड दान ग्रहण करने के लिए पानी में से ऊपर निकलेंगे। तुम उन हाथों को प्रणाम करना नहीं भूलना, वे हाथ तुम्हारे पिता के होंगे। यह बात मैं ध्यान में रखूंगा माँ। दूसरे दिन कौशल वर्मन पिंड दान करने के लिए वैष्णव नदी की ओर चल पड़ा। चलते चलते वह नगर में पहुंचा। रात हो गई, मुझे आज रात यहाँ किसी के घर में ठहर जाना चाहिए और सुबह होने पर ही यात्रा पर आगे बढ़ना चाहिए। यह सोचकर उसने एक दरवाजे पर दस्तक दी। एक गृह स्वामी दरवाजे पर प्रकट हुआ। क्या बात है बेटा, मैं परदेशी हूँ, क्या आज की रात आपके यहाँ मुझे आश्रय मिल सकेगा? गृह स्वामी ने कौशल वर्मन की बात का जवाब नहीं दिया और उसे अंदर आने का इशारा किया। मुझे यह आदमी कुछ दुखी सा प्रतीत होता है। गृह स्वामी उसे घर के अंदर ले आया और भोजन कराया और सोने के लिए चारपाई बिछा दी। चारपाई पर लेटकर कौशल वर्मन गृह स्वामी से बोला, क्या बात है, आप कुछ उदास हैं। जब से मैं इस घर में आया हूँ मैंने घर के सदस्य को कुछ भयभीत सा देखा है, इसका कारण क्या है? बेटा 3 दिन से लगातार हमारे घर पर मृत्यु की छाया मंडरा रही है। मेरे 5 पुत्र है, पिछले 3 दिनों में एक एक करके मेरे 3 पुत्रों की मृत्यु हो चुकी है। पता नहीं क्यों आधी रात बीते घर के सब लोग किसी शक्ति के वशीभूत होकर गहरी नींद सो जाते हैं, तब न जाने कौन आकर मेरे पुत्रों को मार जाता है। इसका मतलब है जो भी तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा है वह आज भी यहाँ आएगा। इसी वजह से तो हम सब भयभीत है, न जाने आज किसके मरने की बारी है। कौशल वर्मन गृह स्वामी को ढाढस बताता हुआ बोला, आप चिंता न कीजिए, मैंने इस घर का नमक खाया है, इसलिए आज रात भर जाकर मैं पहरा दूंगा और कोई भी अनहोनी नहीं होने दूंगा। बेटा हम पर तो काल की छाया मंडरा रही है, तुम क्यों व्यर्थी मौत से मुकाबला करना चाहते हो? गृह स्वामी ने कौशल वर्मन को बहुत समझाया पर वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। बेटा तुम जिद कर रहे हो, यह ठीक नहीं है, आप मेरी चिंता न करें, मुझे कुछ नहीं होगा,
कहकर कौशल वर्मन ने तलवार से अपनी कनिष्ठ उंगली में घाव कर लिया। इस घाव की पीड़ा मुझे सारी रात नींद नहीं आने देगी। इस प्रकार मैं पूरी रात जाकर इस घर के सदस्यों की देखभाल बड़ी प्रकार कर सकूंगा। फिर कौशल वर्मन तलवार हाथ में लेकर घर के मुख्य द्वार के पास आकर बैठ गया। आधी रात बीत जाने पर अरे मुख्य द्वार अपने आप ही खुल गया। अगले पल एक पुरुष और एक स्त्री ने घर में प्रवेश किया। कौन हो तुम? कौशल वर्मन की बात सुनकर पुरुष बोला, तुमने जाकर हम दोनों को जीव देख लिया है, यह ठीक नहीं हुआ। हम तुम्हें एक कारण ही नहीं मारना चाहते हैं। यदि हम अपना जीवन चाहते हो तो हमारे तीन प्रश्नों का उत्तर दो। उत्तर न बताने की सूरत में हम तुम्हें मार देंगे। आपको मुझसे जो भी प्रश्न पूछने पूछिए, मैं यथासंभव उनका सही से उत्तर देने की कोशिश करूंगा। मैं तुमसे तीन प्रश्नों का उत्तर पूछूंगा, तीनों प्रश्नों का उत्तर एक ही है। पूछो। पहला प्रश्न है, जिंद आदमी क्या खाएगा तो मर जाएगा। दूसरा प्रश्न है, मुर्दा आदमी क्या खा सकता है। तीसरा प्रश्न है, भगवान से बड़ा क्या है। तीनों प्रश्न सुनकर कौशल वर्मन सोच में पड़ गया। कुछ देर बाद तीनों प्रश्नों के उत्तर है कुछ नहीं, यानी जो कुछ नहीं खाएगा वह मर जाएगा, यह पहले प्रश्न का उत्तर है। मुर्दा कुछ नहीं खा सकता, यह दूसरे प्रश्न का उत्तर है। तीसरे प्रश्न का उत्तर है, भगवान से बड़ा कुछ नहीं है। हम मान गए कि तुम एक बुद्धिमान युवक हो, हमारे प्रश्नों का उत्तर देकर तुमने अपनी जान बचा ली है। अब आप यह बताइए कि आप दोनों कौन है और रात्रि के इस पैर में इस घर में क्यों घुसे हैं? सुनो, पिछले जन्म में इस घर के गृह स्वामी ने हमारे पांच बच्चों को एक कारण ही मौत के घाट उतारा था। अपने बच्चों के वियोग में हम दोनों पति पत्नी ने भी आत्महत्या कर ली थी, लेकिन मरते समय मैंने कसम गाई थी कि जिसने भी हमारे बच्चों को मारा है हम अगले जन्म में उससे बदला अवश्य लेंगे। अतः हमने इस घर के गृह स्वामी के तीन पुत्र मारकर अपने तीन बच्चों का बदला ले लिया। आज हम इसका चौथा पुत्र मारने आए हैं। वो तो यह बात है, ये दोनों प्रेत आत्माएं हैं। कौशल वर्मन तुरंत उन दोनों से बोला, आप दोनों ने इस घर के गृह स्वामी के तीन पुत्रों को मारकर उसे काफी यातना दे डाली है। अब उस पर कृपा करो और उसके अन्य पुत्रों की जान न लो। इसका एक ही उपाय है, जल्दी बताइए वह उपाय क्या है। हम जानते हैं कि तुम अपने स्वर्गीय पिता का पिंड दान करने के लिए वैष्णव नदी की ओर जाने के लिए अपने राज्य से चले हो। अपने पिता का पिंड दान करने के पश्चात यदि तुम हम पति पत्नी व हमारे पांच बच्चों के नाम से पिंड दान कर दो तो हमारी भटकती हुई आत्मा को शांति मिल जाएगी। तब हम इस घर का पीछा छोड़ देंगे। मैं आप दोनों से वादा करता हूँ कि मैं आप लोगों की इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। ठीक है, तुम्हारे वादे पर विश्वास करके हम दोनों वापस जा रहे हैं। अब हम लोग तुम्हें वैष्णव नदी के तट पर ही मिलेंगे। मैं आपका आभारी हूँ जो आपने मेरी बात मान ली। जब ये दोनों वहां से दृश्य हो गए तो वह आकर अपनी चारपाई पर निश्चिंत साल लेट गया। सुबह होने पर जब उसने गृह स्वामी को रात की घटना सुनाई, बेटा हम सब तुम्हारे अब आ रहे हैं, तुम्हारे कारण ही मेरे बाकी दोनों बेटों की और हमारी जान बच सकी है। मुझे खुशी है कि मैं आप लोगों के काम आ सका। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपनी आगे की यात्रा पर जाना चाहता हूँ। उन लोगों से विदा ले वह अपने सफर पर चल पड़ा। कई दिन का सफर तय करके वह वैष्णव नदी के तट पर जा पहुंचा। उसने मन ही मन स्वर्गीय कपिल वर्मन का स्मरण किया और पिंडदान नदी में अर्पण करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। तभी रही है कि नदी में से पिंड ग्रहण करने के लिए दो के बजाय चार हाथ पानी में से निकले हैं, यह क्या चक्कर है? आश्चर्य में डूबे कौशल वर्मन ने जैसे ही पिंड पानी में छोड़े तो चार हाथों ने उन्हें अपने हाथों में ले लिया और नदी के पानी में दृश्य हो गए। कौशल वर्मन हैरत में डूबा हुआ जड़ सा उसी जगह पर खड़ा रह गया। दो हाथों पिताजी महाराज कपिल वर्मन के थे, लेकिन अन्य दो हाथ किसके थे जिन्होंने मेरे द्वारा अर्पण किए गए पिंडों को महाराज के साथ ग्रहण किया है? तभी वहां वही दोनों स्त्री पुरुष प्रकट हुए जो कौशल वर्मन को पहले भी मिले थे। पुरुष ने सोच में डूबे हुए कौशल वर्मन के कंधे पर हाथ रखकर कहा, किस सोच में डूबे हुए हो? ओ तुम, कौशल वर्मन ने पुरुष को अपने आश्चर्य का कारण बताया। तो वह बोला,
कौशल वर्मन राजा कपिल वर्मन के हाथों के अलावा जो दो अन्य हाथ पिंड ग्रहण करने के लिए नदी के जल में से निकले थे वे तुम्हारे असली पिता भैरवानंद के थे। यह क्या कह रहे हैं आप? मेरे पिता तो राजा कपिल वर्मन थे, कपिल वर्मन तुम्हारे धर्म पिता थे और भैरवानंद तुम्हारे असली पिता थे। तब उस पुरुष ने शुरू से अंत तक सारी कथा कौशल वर्मन को कह सुनाई। सारी कथा सुनने के बाद कौशल वर्मन हक्का बक्का रह गया। ओ तो मैं राजा कपिल वर्मन का असली पुत्र नहीं हूँ। हाँ कौशल वर्मन, तुम्हारे असली माँ कल्याणी इस समय जीत नगर के राजा की कारागार में कैदी का जीवन बिता रही है। तुम पैदा होते ही अपनी माँ से अलग हो गए थे, तभी से तुम्हारी माँ पागल हो गई थी। ओ मेरी माँ ने बहुत दुख उठाए हैं। कौशल वर्मन, यदि तुम वैसे हो नदी का जल ले जाकर अपनी माँ को पिला दो तो उसका पागलपन समाप्त हो जाएगा। वो यह तो तुमने बड़ी अच्छी बात बताई, मैं यह कार्य अवश्य करूंगा। कौशल वर्मन, अब हम दोनों अदृश्य हो रहे हैं। हमारे अदृश्य होने के पश्चात तुम हमारे व हमारे बच्चों के नाम पिंड दान करना न भूलना, ताकि हमारे परिवार के भटकते सदस्यों की आत्मा को शांति मिल सके। मुझे अपना वायदा याद है। तब पुरुष और नारी के अदृश्य होने के पश्चात कौशल वर्मन ने उनके व उनके पांच बच्चों के नाम पिंडदान किया। फिर उसने छोटे से पात्र में वैष्णो नदी का जल भरा और जीत नगर की ओर चल पड़ा। जीत नगर पहुंचकर वह राजा जीत सिंह से मिला और उसे अपनी माँ कल्याणी की सारी कथा कह सुनाई। युवराज कौशल वर्मन, हमें खेद है कि संदेहवश हमने तुम्हारी माँ को इतने लंबे समय तक अपनी कारागार में बंद रखा। हम अभी तुम्हें तुम्हारी माँ के पास लेकर चलते हैं। महाराज, आपने मेरी बात सुनकर जो निर्णय लिया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। जैसे राजा जीत सिंह कौशल वर्मन को साथ लेकर कारागार में पहुंचे। हा हा हा, ओह मेरी माँ की ऐसी दशा! कौशल वर्मन ने आगे बढ़कर जैसे एक कल्याणी को वैष्णव नदी का जल पिलाया, अरे मैं यहाँ कैसे आ गई? वो लगता है माँ ठीक हो गई है। तुम कौन हो बेटा? माँ मैं तुम्हारा बिछड़ा हुआ बेटा कौशल वर्मन हूँ। मेरा तो कोई बेटा नहीं है, मैंने तो बंदर के बच्चे को जन्म दिया था। नहीं माँ, यह झूठ है। तब कौशल वर्मन ने कल्याणी को भैरवानंद के निधन की घटना व सारी घटना कह सुनाई। वो तो यह सब महारानी रत्नावली का षड्यंत्र था, माँ उन्हें दोष न दो, यह सब तकदीर का खेल था। शायद हमारी तकदीर में ऐसा होना ही लिखा था। फिर कौशल वर्मन राजा जीत सिंह से विदा आज्ञा ले अपनी माँ कल्याणी के साथ कपिल नगर आया। कपिल नगर आते ही, बेटा तू आ गया, तेरे साथ बूढ़ी स्त्री कौन है? माँ आपके सवाल का जवाब मैं बाद में दूंगा, पहले आप मेरे एक सवाल का जवाब दो। बोल बेटा क्या पूछना चाहता है तू? माँ क्या कभी काट का घोड़ा पानी पी सकता है? यह क्या कह रहा तू? भला काट का घोड़ा पानी कैसे पी सकता है? माँ जब काट का घोड़ा पानी नहीं पी सकता तो एक स्त्री अपने कोख से बंदर के बच्चे को कैसे जन्म दे सकती है? तुम्हारे कहने का आशय क्या है कौशल वर्मन? मैं समझी नहीं। माँ याद कीजिए, आज से 20 वर्ष पहले आपके दास जोशी की पत्नी ने भी एक बंदर के बच्चे को जन्म दिया था। वो तू कल्याण की बात कर रहा, लेकिन तू यह सब कैसे जानता बेटा? मैं यह सब इसलिए जानता हूँ माँ कि मैं उसी कल्याणी का बेटा हूँ और मेरी माँ कल्याणी इस समय मेरी बगल में खड़ी हुई है। कल्याणी है? यह कल्याणी है? हाँ माँ। तब कौशल वर्मन ने रत्नावली को एक एक बात बताता चला गया। सब कुछ जानते रत्नावली की आंखों में आंसू बह चले। कल्याणी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है। महारानी जी मुझे आपसे क्षमा मांग कर आप मुझे शर्मिंदा न कीजिए। कुछ भी, आपने यशोदा बनकर मेरे बेटे को कृष्ण की तरह पाला है, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। महारानी रत्नावली ने आगे बढ़कर कल्याणी को गले से लगा लिया। उचित समय पर कौशल वर्मन का राज्याभिषेक समारोह हुआ और वह अपनी दोनों माताओं की छत्र छाया में निपुणता से राजकाज संभालने लगा। दोस्तों कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। 4-5 दिन से जुकाम बुखार चल रहा था मुझे, इसलिए मैंने कोई कॉमिक्स पढ़ी नहीं थी, तो मैंने 5-6 दिन के बाद पढ़ी है कॉमिक्स। तो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना।
और मिलते हैं किसी अगली कॉमर्स में।